मान लीजिए कि आप एक बैंक में काम करते हैं और एक दिन आपके ऑफिस में एक कॉल आता है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, हमें अर्जेंटली एक सीक्रेट मिशन के लिए 60 लाख रुपए कैश की ज़रूरत है। आप एक काम कीजिए, ये सारा कैश लेकर फलाने जगह पर आ जाइए और वहाँ पर एक खड़े आदमी को एक कोड वर्ड बताकर ये पैसा दे दीजिएगा। अगर आपके पास ऐसा कॉल आता है तो आप क्या करेंगे? शायद कोई मधुर सी गाली बककर फ़ोन काट देंगे। लेकिन जब 1971 में SBI की एक ब्रांच में ऐसा ही कॉल आता है तो वहाँ का एक ऑफिशियल एक्चुअली 60 लाख रुपए कैश निकाल कर किसी रैंडम इंसान के हाथ में थमा देता है। एंड व्हाट फॉलोड वाज अ पॉलिटिकल टर्मोइल दैट वुड मेक अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट फॉर अ ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवी। बिकॉज इस स्कैम के और इस सो कॉल्ड बैंक रॉबरी के डायरेक्ट एलिगेशंस प्राइम मिनिस्टर तक लग जाते हैं। इस कहानी में पुलिस ऑफिसर्स की मौत हो जाती है, अक्यूज़ की मौत हो जाती है, कोर्ट में आग लग जाती है, इंटेलिजेंस तक की इन्वॉल्वमेंट सामने आती है। दिस केस हैज सो मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स दैट विल जस्ट मेस विद योर ब्रेन। दिस इज द स्टोरी ऑफ द मदर ऑफ ऑल स्कैम। दिस इज द स्टोरी ऑफ द नागरवाला स्कैंडल। सन 1971 में भारत पॉलिटिकली एक बहुत ही दिलचस्प दौर से गुजर रहा था। प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की एक बहुत ही मिस्टीरियस डेथ हुई थी 1966 में। एक पॉलिटिकल टर्मोइल के बाद कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो चुकी थी एंड इंदिरा गांधी वॉज फेसिंग इलेक्शंस। गरीबी हटाओ के आंदोलन के साथ वो एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से जीत कर देश की पहली और अब तक की इकलौती महिला प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर बनते ही वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को क्रश करना शुरू कर दिया। अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल याह्या खान पाकिस्तानी आर्मी स्टार्टेड इट्स आर्म सप्रेशन। इंडिया के बॉर्डर्स पर टर्मोइल था। आज के बांग्लादेश में ऐसा इनह्यूमन टॉर्चर चल रहा था कि लाखों की तादाद में बांग्लादेशी रेफ्यूजीज हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे और आसार ऐसे लग रहे थे दैट इंडिया एंड पाकिस्तान माइट गेट इन्वॉल्वड इन येट अनदर वॉर। और US इस वॉर में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पैक करके चल रहा था। लेकिन इसी सब के बीच में 1971 में एक ऐसा कांड हो जाता है जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट हिला कर रख देता है। 24 मई 1971 को SBI के एक ब्रांच के एक चीफ कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन पे दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि मैं PN हक्सर बोल रहा हूँ, परमेश्वर नारायण हक्सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द PM। मुझे आपसे एक सीक्रेट बात करनी है, आपके आसपास कोई है तो नहीं? उस समय मिस्टर मल्होत्रा केबिन में क्लाइंट बैठे होते हैं, वो उनको बाहर जाने को रिक्वेस्ट करते हैं और अब बोलते हैं कि जी हक्सर साहब बताइए, आई एम ऑल ईयर्स। और तब उधर से आवाज़ आती है कि हमें एक सीक्रेट मिशन के लिए अर्जेंटली 60 लाख रुपए चाहिए। शुरुआत में मल्होत्रा साहब वाज़ अ लिटिल हेसिटेंट। वो पूछते हैं सर ये पैसा कैसे विड्रॉ हो रहा है, विल आई बी गेटिंग अ चेक और इज इट अ रिसीट, व्हाट इज इट? हक्सर साहब कहते हैं कि कैश बहुत ही अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, इसके अगेंस्ट में जो चेक या फिर जो रिसीट है वो आपको टाइमली मिल जाएगी और नहीं तो आप डायरेक्ट PM से बात कर लीजिए। और कुछ ही सेकंड में उस फ़ोन पर आवाज़ आती है श्रीमती इंदिरा गांधी की। वो कहती है कि इस कैश की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आप फलाने जगह जाइए, वहाँ आपको एक साहब मिलेंगे, वो आपको एक कोड वर्ड बताएंगे, वो बोलेंगे आई एम बांग्लादेशी बाबू और आप उनसे कहिएगा आई एम बार एट लॉ और ये कैश उनको पकड़ा दीजिएगा। एंड देन वी विल इशू अ रिसीप्ट अ चेक व्हाटएवर यू नीड। और हाँ, इस बात को सीक्रेट रखिएगा, दिस इज़ ऑफ ग्रेट नेशनल इम्पॉर्टेंस। मल्होत्रा साहब जब ये फ़ोन से हटते हैं, ही फेल्ट अ सडन अर्ज ऑफ पेट्रियाटिज्म। आखिरकार उनके पास मौका आया था अपने देश के लिए कुछ करने का एंड नन अदर देन द प्राइम मिनिस्टर हर सेल्फ हैड कॉल्ड हिम टू डू दैट। 60 लाख रुपए जो आज के हिसाब से कई करोड़ों में होंगे, वो इन पैसों को ट्रंक्स के अंदर पैक करते हैं, गाड़ियों के डिक्की में डालते हैं एंड अगेंस्ट एवरीबडीज एडवाइस वो गाड़ी अकेले लेकर इस आदमी को कैश हैंडओवर करने के लिए निकल जाते हैं। जब वो उस बताई हुई जगह पे पहुंचते हैं, वो देखते हैं वाकई वहाँ पर एक आदमी खड़ा है और वो आदमी इनको देखते हैं, कहता है हाय आई एम बांग्लादेशी बाबू। ये कहते हैं कि आई एम बैर एट लॉ और उसके बाद ये इस गाड़ी से निकालकर उस गाड़ी में सारे कैश के बक्से ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसके बाद उनकी गाड़ी में कुछ वक्त ये लोग साथ में ही निकलते हैं। उसके बाद बांग्लादेशी बाबू इनसे कहते हैं कि मुझे अब इस कैश को लेकर अर्जेंटली इंडियन एयरफोर्स का एक जहाज पकड़ना है, तो आप यहाँ से चले जाइए, आई नीड टू गो देयर अलोन बिकॉज इट्स अ सीक्रेट मिशन। वहीं दूसरी तरफ बैंक में चेक की या फिर एक रिसीट की डिमांड बढ़ने लगती है।
सो एज एक्सपेक्टेड मल्होत्रा साहब जाते हैं प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस टू कलेक्ट द चेक, पर पता चलता है वो उस समय घर में नहीं, काम पर थी। लाइक आई सेड, इट वॉज अ वेरी ट्रबल्ड टाइम फॉर अ गवर्नमेंट एज वेल। वो वहाँ काफ़ी देर इंतजार करते हैं, पीएमओ में अप डाउन करते हैं, लेकिन टू नो अवेल। फिर वहीं आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ही इज फाइनली एबल टू मीट मिस्टर हक सर। ये इनसे कहते हैं कि सर वो जो मेमो और चेक की बात हुई थी वो अगर अरेंज करवा देते तो मुझे थोड़ी रिलीफ हो जाती। अक्सर साहब वाज़ कंफ्यूज्ड, कौन सा चेक, कौन सा मेमो, कौन सी रिसीप्ट। वो कहते हैं अरे सर जो आपने 60 लाख रुपए मुझसे मांगे थे उसकी रिसीप्ट या फिर उसके अगेंस्ट चेक देना था। अक्सर साहब वाज़ पर्टर्ब्ड, वो समझ जाते हैं कि शायद एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है इस समय। वो मल्होत्रा को बताते हैं दैट नो सच डिमांड और नो सच कॉल वॉज मेड बाय आवर ऑफिस, समवन हैज़ कॉन्ड यू। ये सुन के मल्होत्रा साहब के चेहरे से पसीना टपकने लगता है। हक्सर साहब समझ जाते हैं कि एक्चुअली कुछ बहुत बड़ा कांड हुआ है। वो आसपास खड़े पुलिस वालों को बुलाते हैं और उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि प्लीज़ इनके साथ थाने जाइए, इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, इनकी रिपोर्ट को लिखिए। मल्होत्रा साहब की यहाँ पर जो हालत थी वो कोई भी नहीं इमेजिन कर सकता। कुछ घंटे पहले तक जब खुद को देश का हीरो बनता देख रहे थे, आज देश के सबसे बड़े फ्रॉड का एक सेंट्रल पॉइंट थे। He did not even know that he was in the middle of a scam that could possibly rock the entire nation. Malhotra saab puri story police ko dohrate hain aur police foran kaam pe lagti hai. Interestingly, jab Bangladeshi babu wo paison ka baksa lekar ja rahe the to ittefaq se Malhotra saab ne us gaadi ka number note kar liya tha. Ab wo gaadi ka number har PCR mein bataya jata hai aur us gaadi ke piche Delhi police ki ek khoj nikalti hai. Everybody wanted to find out that taxi or rather टैक्सीज, बिकॉज उस दिन इस कांड के लिए कई सारी टैक्सियों का इस्तेमाल किया गया था। जस्ट लाइक दैट एक टैक्सी वाला मिल जाता है। वो बताता है कि साहब एक साहब मेरे साथ बैठे थे और मुझे लेकर जा रहे थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम अगले 5-7 मिनट में मुझे एयरपोर्ट पहुंचा सकते हो या नहीं। जब इन्होंने बोला कि नहीं साहब कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे तो उसने बोला कोई बात नहीं एयरपोर्ट मत जाओ, ये गाड़ी डिफेंस कॉलोनी की तरफ मोड़ दो। फिर एक दूसरा ड्राइवर मिलता है जो एलिजेंटली ये बताता है कि उन साहब के पास बहुत सारे पैसे थे, वो एक बैग से दूसरे बैग में पैसे ट्रांसफर कर रहे थे वगैरह वगैरह। ऐसे ही कई ट्रेस को जोड़ते जोड़ते पुलिस पहुंचती है दिल्ली पारसी अंजुमन, उस जहां पर ये बांग्लादेशी बाबू एक्चुअली रह रहे होते। अब ये जगह एक धर्मशाला है, एक होटल है, एक गेस्ट हाउस है जहाँ अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। उस जगह पर ये बांग्लादेशी बाबू पिछले 8 महीनों से रह रहे थे। ये कोई घर नहीं था, ये एक्चुअली एक पेड गेस्ट हाउस था। 8 महीनों से वहाँ रह रहे थे, उनके पैसे कौन दे रहा था एट दिस पॉइंट वी डोंट नो। वहाँ पूछताछ के बाद पता चलता है कि जिस इंसान को अब तक ये लोग बांग्लादेशी बाबू कह रहे थे उनका असली नाम था रुस्तम सोहराब नगरवाला, हु वॉज एन एक्स कैप्टन ऑफ द इंडियन आर्मी। ये केस दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर मिस्टर कश्यप लीड कर रहे थे। दरअसल उसी दिन ऑपोजिशन का एक प्रोटेस्ट था जहाँ कई लोगों को डिटेन किया गया था, पर तब भी क्विकली एक्ट करते हुए दिल्ली पुलिस ने इसके की अक्यूज रुस्तम सोहराब नगरवाला को ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। वो उस गेस्ट हाउस पहुँचते हैं, उनकी कमरा खोजते हैं, वहाँ कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। पता चलता है अपेरेंटली कि 1943 से 1951 तक इंडियन आर्मी के लिए काम किया करते थे, या बिग टूर गाइड हैं, कई सारी जबानें बोलते हैं, टोक्यो में रह चुके हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब खोजबीन वहाँ चली रही होती है तभी वहाँ के लैंडलाइन बजता है। वहाँ पर एक लड़की का फोन आता है, फोन उठाते हैं तो सामने से एक लड़की पूछती है हैज़ रुस्तम रीच देयर। जब ये बोलते हैं कि नहीं रुस्तम यहाँ पर नहीं आए हैं तो कहते ठीक है सपोज टू मीट मी, और ये बोलकर वो फोन रख देती है। एक लंबे दिन के बाद कई पुलिस वाले चले जाते हैं अपने आप को फ्रेशन अप करने के लिए, नहाकर कपड़े बदलने के लिए, और कुछ पुलिस वालों को वहीं थोड़ी दूर पर स्टेशन कर दिया जाता है कि इन केस अगर ये आदमी वापस आए तो इनको अप्रिहेंड किया जा सके। थोड़ी देर बाद अपेरेंटली एक स्कूटर रुकती है, यानी कि एक ऑटो रिक्शा, उससे एक आदमी उतरता है और गेस्ट हाउस की केयर टेकर उसको देखते ही पहचान जाती हैं कि ये तो रुस्तम सोहराब ही है। हालांकि उसके बाल कट चुके होते हैं, उसका लुक चेंज हो चुका होता है, लेकिन तब भी ये औरत उन्हें पहचानती है और करीब के पुलिस वालों को अलर्ट करती है दैट रुस्तम इज हियर। रुस्तम अपने कमरे में जाता है, जब अपनी चीज़ों को बिखरा हुआ देखता है बाहर आता है और केयर टेकर से लड़ने लगता है कि हाउ डेयर समबडी एंटर माई रूम, एंड शी सेज दैट द पुलिस वॉज हियर टू लुक फॉर यू रुस्तम। पुलिस वहाँ पर आती है, उनको पकड़ने की कोशिश करती है, उनको ओवरपावर करती है, ही रेजिस्ट और चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मैं तुम सबको सस्पेंड करा दूंगा, बट इवेंचुअली ही गेट्स कॉट। द मैन हु पुल्ड ऑफ वन ऑफ द क्रेजियस्ट हाइस्ट इन द हिस्ट्री वॉज नाउ अंडर द पुलिस कमांड इन रिकॉर्ड टाइम। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, मल्होत्रा और नगरवाला को आमने सामने बिठाया जाता है और पहली चीज़ मल्होत्रा ही पूछते हैं कि वो औरत कहाँ है। ये कहते हैं कौन सी औरत, अरे वही औरत जो इंदिरा गांधी की आवाज़ मुझसे बात कर रही थी।
नगर वाला मुस्कुराते हैं और कहते हैं कोई औरत नहीं थी, वो मैं ही था जो मिसेस गांधी की आवाज़ में तुमसे बात कर रहा था। पुलिस उनसे पैसों की रिकवरी के लिए पूछताछ करती है एंड देन दे रियलाइज दैट नगर वाला वॉज एक्चुअली अ टफ नट टू क्रैक। कुछ देर ये लोग गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं और उसके बाद वो बता देते हैं कि सारा का सारा कैश कहाँ है। कुछ 5,000 या 5,700 रुपये छोड़कर सारा का सारा कैश एक्चुअली रिकवर कर लिया जाता है। अगले दिन अखबारों में इस कांड की खबर छपती है और नेचुरली कई सारे सवाल भी निकल कर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि ये साला कांड हुआ कैसे, क्या मिसेस गांधी की आवाज़ निकाल कर फ़ोन पे किसी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, हाउ डिड मल्होत्रा नो इट वॉज एक्चुअली मिसेस गांधी व्हेन ही माइट हैव नेवर स्पोकन टू हर ऑन फोन, ये 60 लाख रुपए किसके थे इन अ कंट्री जहाँ पर लोग उस समय 1,000, 2,000, 3,000 रुपए ऑन एन एवरेज कमाते थे, वहाँ इस ब्रांच में 60 लाख रुपए कैश कर क्या रहा था और बिना किसी झिझक के बिना किसी सवाल के 60 लाख रुपए किसी को हैंड ओवर कर दिए गए। आई मीन हियर द स्टोरी, दिस जस्ट साउंड्स लाइक द मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, क्योंकि ये स्कैम इतना ब्लेटेंट और इतना सिंपल था। कई सारे सवाल थे और हर सवाल का जवाब ढूंढना बेहद ज़रूरी था और इनके जवाब फिलहाल सिर्फ एक आदमी दे सकता था, नगरवाला हिमसेल्फ। जब ये सारा केस सामने आया देवर एट फर्स्ट एलिगेशंस एट मिस्टर मल्होत्रा एज वेल कि शायद वो भी इस पूरे स्कैम का एक हिस्सा है और अगर ना भी हो तो उन्होंने बैंक के कुछ नॉर्म्स को फ्लाउट तो किया ही था ना, बट वॉज ही अ विक्टिम और वॉज ही अ को अक्यूज्ड, दिस वॉज येट टू बी असर्टेन। बट इस गुत्थी को सुलझाने के लिए नगरवाला कोर्ट में एक स्टेटमेंट देते हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा स्क्रूटनाइज किया जाएगा। वो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि साहब देखिए ये पूरा कांड मैंने अकेले ने करा है, मेरे साथ कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, मेरा कोई भी साथी नहीं है, मेरा कोई भी गैंग नहीं है, ये सारा का सारा कांड मैंने करा है और मुझे बेहद अफसोस है कि इस कांड के चक्कर में मल्होत्रा साहब जैसा ईमानदार आदमी भी फंस गया है। इनफैक्ट वो अपेरेंटली ये भी कहते हैं कि मैंने तो खुद जानकर पूरे दिल्ली में क्लूज छोड़े ताकि पुलिस मुझ तक पहुंच सके, बिकॉज इट वॉज नॉट माई इंटेंशन टू एक्चुअली टेक अवे ऑल द मनी। Why would Nagarwala pull such a daring scam and still get caught in such a lame manner? बताता हूँ। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में आज़ादी की जंग चल रही थी। जनरल याह्या खान was looking to crush मुजीबुर रहमान led मुक्ति वाहिनी। इंडिया पे प्रेशर था कि बांग्लादेश की हेल्प करे, लाखों रेफ्यूजीज इंडिया आ रहे थे एंड एज ऑफ मे 1971 इंडियन गवर्नमेंट was still figuring out its actual response to the situation. Could India afford another war? वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन ना पाकिस्तान को रोक रहे थे ना कंडेम कर रहे थे, इन अवे हैंड इन ग्लव सपोर्ट ही कर रहे थे और उल्टा ये प्रेशर बनाया जा रहा था कि इंडिया इस मामले में ना कूदे। और भारत में प्रोटेस्ट चल रही थी कि इंडिया बांग्लादेश को रिकग्नाइज करे। अब ऐसे में नगरवाला ने सोचा लेट मी डू समथिंग सेंसेशनल, समथिंग दैट विल गेट मी द अटेंशन ऑफ द इंटायर कंट्री। और इन्होंने सेंसेशनल मूव करा ताकि वो बांग्लादेश की मदद कर सकें और बांग्लादेश की सिचुएशन की तरफ देश की अटेंशन ड्रॉ कर सकें। हाउ बिलीवेबल डज इट साउंड टू यू, विल डिस्कस। खैर ये स्टेटमेंट वो कोर्ट में भी दोहराते हैं एंड वहाँ पर ही एक्चुअली प्लीड्स गिल्टी। वन ऑफ द मोस्ट स्विफ्टेस्ट डिसीजंस ऑफ इंडियन कोर्ट्स आते हैं और उनको जेल भेज दिया जाता है। और जब नगरवाला जेल जाते हैं तो वहाँ हर कोई उनसे मिलना चाहता है। It was almost that Nagarwala had become a mini celebrity by pulling off this con job. और Nagarwala भी सबको एक अलग कहानी सुनाते हैं। किसी को कहते हैं कि अरे मैंने बैंक के नीचे वाले बूथ से कॉल करी, किसी को कहते हैं कि मैं सिगरेट पी रहा था मुझे आइडिया आया तो मैंने बैंक को कॉल कर दी, लेकिन वो एक इंसान को एलिजिडली ये भी बताते हैं कि वो कॉल मैंने नहीं अपेरेंटली मिसेस गांधी ने ही करी थी। एंड लेट मी क्लैरिफाई, ये सब अभी थ्योरीज हैं, इनको प्रूव नहीं किया गया, बट उन्होंने अपेरेंटली ये बोला कि उनको किसी काम के लिए पैसा चाहिए था, वो मुझे बोला गया था पैसा लाने को लेकिन कोई पैसा कलेक्ट करने को आया ही नहीं। बाद में पुलिस के लोगों ने मुझसे बोला कि सरेंडर कर दो, सारा मामला अपने ऊपर ले लो, तुम्हें हम जल्दी फ्री कर देंगे। बहरहाल ये कहानी कितनी सच थी कितनी झूठ ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो नगरवाला स्कैम की ओवरऑल कहानी थी ये इस जेल के बाहर जनता को एकदम झूठ लग रही थी। बिकॉज लाइक आई सेड, इतना सिंपल प्लॉट कैसे हो सकता है इतनी बड़ी चोरी का? क्या इसमें गवर्नमेंट एक्चुअली इन्वॉल्व थी? क्या ये पहले भी होता था कि पॉलिटिशियंस के कहने पर बड़ी बड़ी रकमें दे दी जाती थी? और सबसे बड़ी बात, ये किसका पैसा था जो वहाँ पड़ा हुआ था?
अलग अलग रिट पिटिशंस फाइल होती हैं, कोर्ट को री एग्जामिन करने को बोला जाता है। खबरें ये भी आती हैं कि नगरवाल अपेरेंटली कुड हैव आल्सो गॉट बेल्ड, लेकिन वो बेल अप्लाई ही नहीं करते हैं बिकॉज ही थॉट दैट बाहर उनकी जान को खतरा है। अब नगरवाला जेल से प्राइम मिनिस्टर को कुछ लेटर्स लिखना शुरू करते हैं। ये वो समय था जब मिसेस गांधी USSR में एक हिस्टोरिकल डिप्लोमेटिक मिशन पर थी, एंड द लेटर्स टोन सजेस्टेड दैट ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे। और उन्हीं लेटर्स में अपेरेंटली वो ये भी लिखते हैं दैट आई होप वन डे आई कैन टेल द ट्रूथ टू एवरीबॉडी। शायद नगरवालों को उम्मीद थी कि जेल का टर्म इतना बुरा नहीं होगा या इतना लंबा नहीं होगा। अब अपेरेंटली वो जेल में फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और वहाँ पर वो कहते हैं कि मैं मल्होत्रा को भी इम्प्लीकेट कर दूंगा, मुझे इस कहानी का सच सामने लाना है। लेकिन अब 6 महीने इस कांड को बीत चुके थे। ऐसे में एक और खबर आती है जिससे ये केस थोड़ा सा और मिस्टीरियस हो जाता है। यू रिमेंबर कश्यप, वही पुलिस ऑफिसर जिन्होंने गजब की स्पीड के साथ नगरवालों को अरेस्ट कर लिया था। वो कुछ टाइम बाद एक मिनी सेलिब्रिटी बन चुके थे, एक डेकोरेटेड ऑफिसर थे जिन्होंने इतना बड़ा कांड जिसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम इन्वॉल्व है उसको इतने कम समय में क्लियर कर दिया था। लेकिन अब खबर ये आती है कि उनका एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। अफवाहें ये उड़ती हैं दैट कश्यप न्यू टू मच अबाउट द केस एंड हेंस ही वॉज एलिमिनेटेड। कश्यप की मौत कैसे हुई, क्यों हुई, ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। लेकिन नगरवाला अभी तक जेल में बंद है। नगरवाला की माँ भी मिसेस गांधी को लेटर्स लिखती हैं कि मेरे बेटे को माफ़ कर दिया जाए। और एक दिन इनकी मदर एक्चुअली दिल्ली आती हैं अपने बेटे से मिलने के लिए। बट बिफोर शी कुड मेक द जर्नी उनको एक खबर मिलती है। वो खबर ये थी कि नगरवाला हैज़ एक्चुअली डाइड। नगरवाला की तबीयत ख़राब होने की वजह से उनको अपेरेंटली जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, जहां वो अपनी 51st बर्थडे को डेड घोषित हो जाते हैं। अब ये सस्पिशंस बहुत स्ट्रांग होने लगते हैं कि ये सारा कुछ एक बहुत बड़ा कवर अप है। इस केस की चर्चा पार्लियामेंट तक पहुंचती है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर इसका जवाब दिए बगैर पार्लियामेंट से बाहर निकल जाती है। और अब मीडिया की थ्योरीज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी होती है। थ्योरीज बहुत सारी थी कि ये 60 लाख रुपए ब्लैक मनी था जिसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे दिस मनी वॉज एक्चुअली मेंट फॉर संजय गांधी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये पैसा एक्चुअली बांग्लादेश ही भेजा जा रहा था, बट मल्होत्रा पैनिक्ड एंड क्रिएटेड अ सीन। कुछ लोग ये कह रहे थे कि नगरवाला एक्चुअली कलेक्टेड द मनी बिफोर द रियल एजेंट्स कुड कम एंड पिक अप द मनी। थ्योरीज उड़ती चली जा रही थी। नगरवाला कन्फेस्ड अपेरेंटली टू सेव मिसेस गांधी, दैट नगरवाला एंड मल्होत्रा ऑलरेडी न्यू मिसेस गांधी। लाइक आई सेड, कश्यप को सब पता था इसलिए उसे मार दिया गया। और सबसे बड़ी एलिगेशन तब निकल कर आई जब ये कहा गया कि नगरवाला हैड एक्चुअली नॉट डाइड, उनके एक बॉडी डबल को मारा गया था। इन फैक्ट नगरवाला हैज मूव्ड टू इटली। बट सच क्या था, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। उसको बताने से पहले एक और दिलचस्प बात हो जाती है। 1974 में 30,000 कोर्ट में एक आग लगती है, एक ऐसी आग जिनमें कई सारे केस के पेपर्स जलकर राख हो जाते हैं। गेस, उस आग में किस केस के पेपर जल गए थे। कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती, अभी कुछ और ट्विस्ट आना भी बाकी है। बहरहाल 1975 में देश में इमरजेंसी लागू होती है और 1977 में देश दोबारा इलेक्शन में जाता है, एंड एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से इलेक्ट होकर आने वाली इंदिरा गांधी लूजेस द इलेक्शन। अ न्यू PM इज इलेक्टेड, मुरारजी देसाई, मिस्टर मुरारजी देसाई, जो पहले कांग्रेस का हिस्सा थे लेकिन अब एक और पार्टी के साथ थे। When it comes to power, he makes a series of changes, including ordering investigation against a lot of things that happened in the emergency. As a matter of fact, वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी एक कमेटी बनाते हैं। Headed by Justice Reddy, this commission was supposed to examine all the allegations and find out the truth behind the so-called Nagarwala scandal. And naturally, अब सरकार चेंज होने के बाद सबसे बड़ा सवाल was actually फॉर मिसेस गांधी herself. शी डज अपियर इन फ्रंट ऑफ द कमीशन और उनसे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले उनकी चुप्पी, उनकी खामोशी के बारे में सवाल पूछा जाता है और वो कहती हैं कि आई डेंट थिंक इट वॉज वर्दी इनफ फॉर माई रिप्लाई। ये बहुत ही ऑब्वियस था कि एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें उनका नाम इस्तेमाल किया गया, दैट्स इट। ये भी कहती हैं कि नगरवाला ने उस समय जो भी लेटर्स लिखे वो कभी उन तक पर्सनली पहुंचे ही नहीं, दे वर ऑल विद हर असिस्टेंट्स। लेकिन जब ये सब क्लैरिटी दे रही होती हैं तब एक बात सामने आती है that Nagarwala had actually met Mrs. Gandhi before, and maybe that could explain the familiarity
इन द टोन ऑफ हिज लेटर्स। हालांकि मिसेस गांधी कहती हैं कि वो कई सालों तक एक जनता का दरबार लगाती रहती थी, जहां पर लोग आकर उनसे मिलते थे, कुछ कुछ जो उनको पॉलिसी डिसीजंस थे उनके बारे में डिस्कस करते थे, और जो भी सजेशन मिसेस गांधी को अच्छा लगता था शी वुड वर्क ऑन दिस फर्दर। शी सेड दैट परहैप्स दैट इज वेयर शी माइट हैव मेट नगरवाला, एंड इवन इफ शी डिड मीट नगरवाला, डज दैट एक्सप्लेन दैट शी वॉज अ पार्ट ऑफ दिस कंस्पिरेसी। मल्होत्रा साहब वॉज ऑल्सो क्वेश्चन, और वहाँ पर उन्होंने ये भी कन्फेस करा कि अक्सर बैंक VIPs के कुछ कैश लेकर उनके पास चला जाता था और वहाँ से उनसे चेक ले लेता था। इट वॉज एन अनहेल्दी बट एन एक्चुअल प्रैक्टिस। PN हक्सर साहब से भी पूछताछ हुई, उन्होंने बड़ी स्मार्ट बात बोली। वो बोलते हैं अपेरेंटली कि रूमर्स आर अ पार्ट ऑफ पब्लिक लाइफ, अगर वो हर रूमर को चेस करने जाएंगे या उसको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो अपना काम क्या करेंगे। लेकिन उनसे ये भी सवाल था कि जब इसमें आपका नाम आ रहा था, प्राइम मिनिस्टर का नाम आ रहा था, आप लोगों ने इसके अंदर डेप्थ में जाने कोशिश क्यों नहीं करी। और वो कहते हैं कि साहब उस समय हम बांग्लादेश और अमेरिका और पाकिस्तान की सिचुएशन रिजॉल्व करते या इस केस पर ध्यान लगाते। याद है मैंने आपसे कहा था कि एक थ्योरी ये भी थी कि नगरवाला कभी मरे ही नहीं थे, इनफैक्ट वो इटली चले गए थे फॉर यू नो ऑब्वियस रीजंस। इस बात को भी इन्वेस्टिगेट करा गया, एक टीम बनाई गई, इंटरपोल से कनेक्ट किया गया, वहाँ जाकर खोजबीन करी गई और पता चला वहाँ इस तरह का कोई भी आदमी नहीं आया है। दैट थ्योरी वॉज ऑल्सो जस्ट अ थ्योरी, इट कुड नॉट बी प्रूव्ड। अब मीडिया की तरफ से एक थ्योरी ये भी आ रही थी कि वो सारा का सारा पैसा एक्चुअली संजय गांधी को जाना था एंड ही वॉज सपोज टू मेक अ फ्यू पेमेंट्स। दरअसल उस समय संजय गांधी इंडिया के लिए एक अफोर्डेबल कार बनाने का सपना देख रहे थे। उसके लिए संजय गांधी को तब की हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ी ज़मीन भी अलॉट करी थी, जिसका कुछ पैसा तो वो दे चुके थे और करीब 50-60 लाख रुपए उन्हें और देना था। अब थ्योरी ये थी कि वो बचा हुआ पैसा इसी तरीके से उनको दिया जाने वाला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये गवर्नमेंट डीलिंग्स हैं तो क्या इतना बड़ा रकम कैश में दिया जाता। एक और चीज़ अपेरेंटली सामने आई कि शायद उसी रात को संजय गांधी जी वो सपोज टू मेक एन इंटरनेशनल ट्रिप और वो ट्रिप अब्रप्टली कैंसिल हो गई। उनका ट्रिप का इसी दिन होने का इत्तेफाक था, विल नेवर नो। बहरहाल इन एलिगेशंस को भी कभी प्रूव नहीं किया जा सका। दीज थ्योरीज ऑल्सो रिमेन जस्ट एज थ्योरीज। फिर खबर यह आई कि कार कंपनी में मल्होत्रा साहब को हायर कर लिया गया। वहां भी जब जाकर पता करा गया तो पता चला कि ऐसा भी कुछ नहीं है, वो भी एक होक्स है। फिर ये भी एलिगेशन आए कि साहब पैसा पहले से ही वहाँ पर रखा गया था, वो पैसा ट्रंक के अंदर ही था, उनको गिना भी नहीं गया था और डायरेक्टली ट्रंक उठा के किसी और को दे दिया गया था, वगैरह वगैरह वगैरह। 800 से ज़्यादा पेजेस की रिपोर्ट जारी की गई इस कमीशन के द्वारा एंड में, और ये कंक्लूड किया गया कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, ये सीधा सीधा एक स्कैम का केस है। इतने भी पॉलिटिकल एलिगेशंस, कवर अप्स, हर चीज़ लगाई गई, None of them could be proved at all. अब आप सोच रहे होंगे बट what happened to कश्यप, उनकी डेथ के बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं। दरअसल कश्यप साहब अपनी फैमिली के साथ फतेहपुर सीकरी की दरगाह में मन्नत मांगने गए थे और वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट कोई मिस्टीरियस तरीके से नहीं बल्कि टांगे के ऊपर बैठ कर आती हुई एक बारात से हुआ था। उनका एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनका देहांत हुआ, जिसके कई सारे विटनेसेस थे, जिसके कई सारे सामने देखने वाले थे, एंड देयर वाज नो प्रूफ ऑफ एनी इल डूइंग्स और एनी रॉन्ग डूइंग्स इन दैट केस एज वेल। क्या लग रहा है, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई? अगर ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती तो इतनी दिलचस्प कहाँ रहती। कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर, सबसे दिलचस्प पहलू तो अभी खुलना बचा है। अब तक नगरवाला के बारे में कई सारी थ्योरीज थी, वो इंदिरा जी के लिए काम करते थे, वो रॉ का हिस्सा थे, वो इसके हिस्सा थे, फलाना फलाना फलाना। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट ही वाज नॉट अ रॉ एजेंट बट परहैप्स ही वाज अ CIA एजेंट। इट हैज नॉट बीन इजी टू गेट अवे एट अ टाइम व्हेन इंडिया इज बिलीगल्ड। यू रिमेंबर व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द नाइट व्हेन नगरवाला वाज गेटिंग अरेस्टेड। उस रात को उस गेस्ट हाउस में एक कॉल आया था एक लड़की का, शायद वो वही लड़की थी जो नगरवाला की गर्लफ्रेंड थी, एंड इनफैक्ट नगरवाला की गर्लफ्रेंड एक अमेरिकन सिटीजन थी जो इंडिया में US एम्बेसी में काम कर रही थी। दोनों एक साथ टोक्यो में रह चुके थे, एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये भी माना जा रहा था कि इन्होंने एक्चुअली US में अपने अपने लिए ग्रेव्स को भी खरीद रखा है, और ये भी बातें सामने आई दैट नगरवाला अपेरेंटली हैड अ सीरीज ऑफ फॉरन अकाउंट एज वेल। और अब ये थ्योरी लोगों के अंदर काफ़ी घर करने लगी कि ये सारा का सारा खेल एक्चुअली CIA का रचा हुआ था। इस थ्योरी के हिसाब से इंडिया और सोवियत यानी कि आज के रशिया की करीब आना US को
पसंद नहीं था. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे हेटेड इट. आखिरकार अमेरिका और सोवियत के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था. दे डिडंट वांट इंडिया टू बी एसोसिएट विद द सोवियत यूनियन इन एनी वे एंड दे हेटेड इंदिरा गांधी फॉर एक्चुअली डूइंग दैट. आगे चल के व्हाइट हाउस के डी क्लासीफाई करे हुए रिकॉर्डिंग्स में प्रेसिडेंट निक्सन और उनके एनएसए किसिंजर आपस में तब की प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी को गालियां तक देते हैं. ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान यूएस का पुराना एलाई था और पाकिस्तान के टर्मोइल में दे डिडंट वांट इंडिया टू गेट इन्वॉल्व. जब एक्चुअली जंग छिड़ती भी है तो ये भी खबर सामने आती है कि यूएस एक्चुअली अपना एक नेवल जहाज बे ऑफ बंगाल में लगा देता है ताकि इंडिया को इंटिमिडेट कर सके. बट ऑफकोर्स वी ऑल नो कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता एंड बांग्लादेश डज गेट लिबरेटेड. अब थ्योरी ये कहती है कि ये सारा का सारा खेल CIA ने इसलिए रचा था ताकि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर सके और गिरा सके. लेकिन क्या नगरवाला एक CIA एजेंट थे या नहीं थे, ये बात भी कभी प्रूव नहीं हो पाती है. आई विश आई कुड टेल यू द एंड ऑफ दिस नगरवाला स्टोरी, बट एक्चुअली इसकी असली एंड मुझे भी नहीं पता, शायद किसी को नहीं पता. हैविंग सेड दैट, प्रकाश पात्रा और रशीद किदवाई दो बड़े जर्नलिस्ट ने मिलकर इस पूरे के पूरे केस को डॉक्यूमेंट करके एक बड़ी सी बढ़िया किताब लिखी है. द बुक इज कॉल्ड द स्कैम दैट शुक अ नेशन. और इस किताब को मैंने भी एक्सटेंसिवली पढ़ने की कोशिश की, बहुत ही डिटेल्ड किताब मुझे लगी. एंड लाइक आई सेड, इसी को बेस पर रख के वीडियो भी मैं बना पाया. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियन बताइएगा और ऐसे ही और भी बढ़िया बढ़िया स्टोरीज जानने के लिए मेरी पिछली स्टोरीज को देखिएगा. और उसके बाद आपको अगर लगे आई एम वर्दी ऑफ अ सब्सक्रिप्शन, देन प्लीज़ डू दैट एज वेल. जय हिंद.